9 राज्यों के 100 शहरों पर पानी का अटैक। मॉनसून के ट्रेलर ने मचाई तबाही। मध्य प्रदेश में बहा जानवरों का झुंड। उज्जैन में मंदिरों पर शिप्रा का कहर। असम के 6 जिलों की जल समाधि। राजस्थान से लेकर गुजरात तक शहर शहर बारिश का कहर। तो पूरे देश में तेज बारिश ने तबाही मचाई है। गुजरात से लेकर असम तक कई राज्यों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में हुआ है। यहां बाढ़ की तबाही की एक तस्वीर आइए हम आपको दिखाते हैं। मंदसौर में पानी के सैलाब ने पशुओं के पूरे झुंड को ही निगल लिया। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से पशुओं का ये झुंड पानी के सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि ये भारी भरकम जानवर भी अपने आप को बचा नहीं पाए और पानी के तेज रफ्तार में बह गए। ये देखिए पशुओं का झुंड और किस तरह से ये भारी भरकम जानवर भी अपने आप को बचा नहीं पाए, ये भी पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी बताई जा रही हैं, जो अब सामने आई। आपको बाढ़ की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देश के 5 राज्यों के हालात क्या हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं इन 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के से मरने वालों की जो संख्या है वो 20 के ऊपर पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक और गढ़चिरौली के कई इलाके पानी में डूबे हुए। उत्तर पश्चिम भारत के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी से बहुत भारी बारिश का ये अलर्ट 14 और 15 जुलाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ के पानी के अंदर समा गए हैं। उज्जैन में एक शिप्रा और नासिक के गोदावरी में आई बाढ़ से नदी किनारे के मंदिर डूब गए हैं। उज्जैन में मंदिरों पर शिप्रा का कहर। नासिक में गोदावरी ने मंदिरों को डुबोया। वाराणसी में मंदिरों पर गंगा का रौद्र रूप। संगम में भी बाढ़ ने शुरू की बर्बादी। कहीं कुछ भी नहीं है, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। इंसान से लेकर भगवान तक सब कुछ जलमग्न है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर ने जल समाधि ले ली हो। ये उज्जैन के रामघाट की तस्वीर है। यहाँ बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। मंदिर के ऊपर सिर्फ पताका लहरा रही है, जबकि नीचे लहरों का शोर है। रामघाट पर बने ये मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। घाट का तो नामो निशान नहीं है। सिर्फ 2 दिनों की बारिश में ये तस्वीर दिखा रही है। उज्जैन शहर दरिया में तब्दील हो गया है और महादेव का मंदिर टापू में बदल गया है। उज्जैन के बाद नासिक की तस्वीर देखिए। सिर्फ 1 दिन बारिश हुई है और हालत ऐसी कि जैसे समंदर के बीचों बीच मंदिर बनाया गया हो।
मंदिरों में पूजा करने की बात छोड़ दीजिए, मंदिर नजर तक नहीं आ रहे हैं। और इस बाढ़ से चार राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए ढेर सारे वादे और दावे किए थे, लेकिन मानसून की पहली ही बारिश में सारे दावे चारों खाने चित्त हो गए। अभी और बारिश होनी है, लेकिन इस इंतजाम से सरकार लोगों को कैसे बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिंदगी के लिए इस जंग को देखिए, एक ओर सैलाब मौत देने पर आमादा है, दूसरी ओर लहरों में फंसा लड़का अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। राजस्थान के बारा में बाढ़ में फंसे इस लड़के की किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसे रस्सी के सहारे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तेज लहरों से ये लड़का जीत नहीं पाया। अचानक ही इसके हाथ से रस्सी छूट गई और वो पानी के साथ बह गया। यहाँ पे व्यवस्था करवाएंगे कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन इस दौरान एससी साहब और संबंधित अन्य विभागों के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पे सारी व्यवस्थाएं करें जिससे जनता को तकलीफ नहीं हो। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है। तीन लोग एक कार से जा रहे थे, तभी सड़क पर अचानक पानी आ गया। किसी को कुछ समझ आता तब तक गाड़ी बैलेंस खोकर पानी के बहाव में आ चुकी थी। आनन फानन में राहत कर्मियों को बुलाया गया। प्रशासन ने लोगों की मदद से तीनों कार सवारों को बचा लिया। मध्य प्रदेश के गुना की इस तस्वीर को देखिए, नदी में आई बाढ़ में फंस गए एक किसान को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा, लेकिन बहाव इतना तेज है कि सारी कोशिशें बहाव के साथ ही बहती जा रही हैं। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद किसान को सुरक्षित निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के ही खरगोन की इस तस्वीर को देखकर सहम उठेंगे आप। देवली नदी में आई बाढ़ की वजह से बड़वानी मार्ग पानी में डूब चुका है। सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच जान हथेली पे लेकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राज्य के आधे से भी ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शिवपुरी के कोलारस इलाके में बाढ़ का यह हाल है। पंचावली पुल पर 3 फीट से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का हाल आपको दिखाते हैं। पानी का बहाव देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सड़कों पर पानी भरा है, लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। असम से भी बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोरहाट की तस्वीरें हैं, घरों में पानी भर चुका है, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने सड़कों पर आसरा लिया हुआ है, सारा सामान सड़कों पर ही रखकर लोग पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। असम के शोणितपुर जिले के गोहपुर में हालात और भी खराब है। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ बारिश ने लोगों का सब कुछ छीन लिया है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ने दस्तक दी है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। बुंदेलखंड के ललितपुर में लगातार बारिश से माता टीला डैम खतरे के निशान को पार कर गया है। डैम को बचाने के लिए रविवार को 1,75,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब असम की बाढ़ वाली तस्वीर भी देखनी जरूरी है। असम के 1.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 8 जिलों में तो लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बाढ़ में बड़ी संख्या में मवेशी भी डूब गए हैं। सरकार राहत का दावा कर रही है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। यह असम के जोराहट की तस्वीर है। हालात देख लीजिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी है। खेत डूब चुके हैं,
घरों में पानी घुस गया है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। असम के 8 जिलों में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 213 गांव के 1,12,307 लोग बाढ़ में फंसे हैं। बाढ़ में 6,978.63 हेक्टेयर पर लगी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। जोरहाट में 6 अस्थायी पुल बह गए। कई जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शिवसागर में दिखाव नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि धनसिरी नदी, गोलाघाट और नुमालीगढ़ में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई जगहों पर बांध टूट जाने के कारण कई गांव डूब गए हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा है। ऊपरी असम में जोरहाट जिला प्रशासन ने भोगदोई नदी से लगे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले पोल्ट्री फार्म्स को भी नुकसान पहुंचा है। करीब 12,000 मुर्गियां, 16,000 जानवर मारे गए हैं। असम में भूस्खलन में 2 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के बाद हालात और खराब होने का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। आधा मध्य प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, लाखों लोग प्रभावित हैं। हालात इतने खराब हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को राहत की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी है। अगले 24 घंटे और भारी बारिश की आशंका है। होने वाली बारिश से नर्मदा समेत सभी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ना तय है। माना जा रहा है कि इसके बाद बाढ़ के हालात और खराब होंगे। न बारिश रुक रही है, न बारिश के बाद के हालात बदले हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल को हुआ है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी यहां मुसीबत से भर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत और बचाव का मोर्चा खुद संभाल लिया है। लोगों से मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, राहत का भरोसा दे रहे हैं। लोगों की बात सुनने के बाद मीडिया को भरोसा दे रहे हैं, पानी से जंग जीत ली जाएगी। पूरे प्रदेश की चिंता है, मैं रोज बैठकें कर रहा हूं, और एक तात्कालिक उपाय ये है कि हम सतर्कता बरतें, उनके परिवारों की पूरी व्यवस्था करें, और इसलिए दोनों तीनों तरह की चीजें हमने की है। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लापता हैं। पिछले 5 दिनों से बारिश जारी है। सीहोर में बाढ़ की वजह से 200 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट गया है। सतना में भी 40 गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। विदिशा, मंदसौर, भोपाल तो बुरी तरह प्रभावित है। कई इलाके 15 से 20 फुट गहरे पानी में डूबे हुए हैं। करीब 16,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ की 45 टीम, एसडीआरएफ के 5,000 जवान और पुलिस के 800 जवान अलग अलग जिलों में तैनात किए गए हैं। लोगों की मदद के लिए 1079 की हेल्पलाइन भी जारी की गई है। 18 जिलों में अगले 12 घंटों में जबरदस्त बारिश की आशंका है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि 34 जिलों में भारी बारिश हो रही है और 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 25,000 से ज्यादा घर बुरी तरह तबाह हो गए हैं। 18,000 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ में फंसे 1400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अब तक कुल 7,500 लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ की वजह से महामारी फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की 40 टीम भेजी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश और बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। राहत कार्य और तेज किए जाने का भरोसा दिया गया है।